हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक अर्थात व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। ये टॉपिक है वो बैंकिंग से संबंधित है, किस प्रकार व्यापारिक बैंक हैं वो साख का निर्माण या साख सर्जन करते हैं। माई सेल्फ महेंद्र लोमरोड, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक गवर्नमेंट कॉलेज खिमसर नागौर। आज के समय में साख सर्जन व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य हो गया है। व्यापारिक बैंक प्राथमिक जमाओं के आधार पर अपनी बहुत सारी गौण जमाओं का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं गौण जमाओं को निर्माण करने की क्रिया को साख सर्जन या साख निर्माण कहा जाता है। आज अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार व्यापारिक बैंक के वो साख का निर्माण या साख सर्जन करते हैं। व्यापारिक बैंक अपन जानते हैं कि जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, ये इनके सबसे मुख्य कार्य होता है। उसी में अपन देखें तो व्यापारिक बैंक जो मांग जमा के रूप में जो मुद्रा की पूर्ति में योगदान देते हैं, क्योंकि व्यापारी बैंक क्या करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, वापस ऋण देते हैं। ऋण देने से मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है और ये मांग जमाओं के रूप में जो ऋण दिया जाता है उसको मांग जमाओं के रूप में जमा किया जाता है, उसके कारण मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। तो मांग जमा, जैसे अपन बात करें कि मुद्रा की पूर्ति के सबसे दो महत्वपूर्ण भाग है, एक है जनता के पास करेंसी, करेंसी मतलब नोट और सिक्के, दूसरी है मांग जमा है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा की पूर्ति के निर्धारक तत्व हैं। इनमें के आधार पर ही साख बैंक हैं वो साख का निर्माण या साख सर्जन होता है। और तो अपन देखें तो बैंक के क्या होता है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज दो होती है। असेट्स का मतलब है जो उसकी उसकी लेनदारी है, और लाइबिलिटीज मतलब है उसकी जो देनदारी है, यानी जो जमा कराएगा तो उसकी बैंक की जिम्मेदारी बनती है वापस देने की, वो लाइबिलिटीज में आएगी। असेट्स में का मतलब है जो बैंक लोन देगा वो आएगा असेट्स में, क्योंकि वो बैंक की क्या है, लेनदारियां हैं, और लाइबिलिटीज यानी जो देनदारियां हैं। अब अपन बात करते हैं कि साख निर्माण एक बैंक है वो किस प्रकार करता है। अपन साख सर्जन या साख निर्माण के बारे में पढ़े तो उससे पहले अपन कुछ मान्यताएं लेते हैं। मान्यताएं, जैसे अपन बात करें कि अपन जैसे सभी जितने भी व्यापारिक बैंक है उनको अपन मान लेते हैं एक इकाई मान लेते हैं, यानी सभी व्यापारिक बैंकों मिलाकर एक इकाई मानना है। और अर्थव्यवस्था में जितने भी भुगतान है वो बैंक के द्वारा ही हो रहे हैं, यानी सारा काम है जो जिसको भी देने हैं वो रुपये देने हैं वो सारा बैंक के माध्यम से हो रहा है। और बैंक अपने पास रिजर्व अनुपात रखते हैं, यानी बैंक यानी जरूरी होने पर लोगों को रुपए जैसे जमा कराए हैं तो उनको वापस निकालने के लिए रिजर्व अनुपात रख के जाते हैं। और फोर्थ डबल मान रहे हैं कि समाज में उधार की मांग इतनी अधिक है कि संपूर्ण उधार देय धन का पूर्ण प्रयोग हो जाता है, यानी जितने भी उधार बैंक देती है उनका पूर्ण का पूर्ण उपयोग हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि बैंक क्या करते हैं कि बैंक जनता से रुपए मांग जमा के रूप में प्राप्त करते हैं, यानी बैंक अपने पास जमा करते हैं जनता से रुपए और आवश्यकता होने पर बैंक उधार देते हैं। तो बैंकों द्वारा दिया गया उधार नगद में ना होकर जमा के रूप में होता है, मतलब बैंक जो जैसे किसी को उधार देगा तो उसको कैश में नहीं देगा, उसके खाते में वो ट्रांसफर कर देगा। वो चाहे तो उसे नगद के रूप में निकाल सकता है, वो चाहे तो चेक दे के दूसरे खाते में ट्रांसफर भी करा सकता है। तो ये प्रक्रिया है, इसी के आधार पर बैंक है वो साख निर्माण या साख सर्जन करता है। और ये प्रक्रिया वो निरंतर चलती रहती है कि अपन बैंक किसी से जो जमा कराए हैं लोग व्यक्तियों ने उनके रुपए का उन रुपयों को बैंक दूसरों को उधार दे देता है। बैंक को पता है कि जिन व्यक्तियों ने अपने यहाँ बैंक में रुपए जमा कराए हैं वो सभी एक साथ रुपए निकालने नहीं आएंगे, तो सभी एक साथ नहीं आएंगे तो बैंक एक निश्चित अनुपात अपने पास रुपए का रख लेता है कि अगर लोग कुछ आज भी जाते हैं तो उनको वापस रुपए किए जा सके। और जो उनके जो एक निश्चित अनुपात रखने के अलावा जिसको अपन यहाँ पे अभी बात करेंगे तो उसको कोष अनुपात कह सकते हैं अपन, तो उसके अलावा जो अपन
बात करें कि बैंक क्या करता है, उसके अलावा रुपए को लोगों को उधार दे देता है, और उधार देता है अपन यहाँ पे बात की वो जमा करता है, नहीं दूसरे खाते में जमा कर देता है। अब वो दूसरा व्यक्ति जो उधार ले जमा कर दिया, इसका मतलब है कि वो भी एक तरीके से क्या हो गया, उस व्यक्ति के द्वारा जिसके खाते में जमा किया, इसका मतलब है उस व्यक्ति ने उस बैंक में वो रुपए जमा कराए, तो उसका भी एक निश्चित अनुपात बैंक रखेगा अपने पास और बाकी के रुपए दूसरे को उधार दे देगा। इस प्रकार ये क्रियाएं निरंतर चलती रहती है, और इस प्रकार देखते हैं कि बैंक प्राथमिक जमाओं के आधार पर बहुत सारी गौण जमाओं का निर्माण कर लेते हैं। इनको अपन उदाहरण के रूप में आगे समझते हैं और देखते हैं। प्रोफेसर किन्स ने कहा कि ऋण है वो जमा की संतान है, और जमा है वो ऋण की संतान है, अर्थात उन्होंने ये कहा कि जमा होगा तभी ऋण दिया जाएगा, और ऋण होगा वो जमा, ऋण किसी को देंगे तो वो जमा भी होगा, यानी ऋण की ऋण में वो जमा की संतान हो गई और जमा वो ऋण की संतान, क्योंकि किसी व्यक्ति को लोन मिलेगा तभी वो जमा कराएगा, और जिस जमा हो गया तभी बैंक है वो लोन दे पाएंगे। तो इसलिए उनका ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ऋण है वो जमा की संतान है और जमा वो ऋण की संतान है। शाख सर्जन अपन देखें, क्रेडिट क्रिएशन, तो जब बैंक में रुपए जमा करवाए जाते हैं तो बैंक उसका कुछ भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत नगद कोष के रूप में रखकर बाकी को उधार देता था। बैंक द्वारा दिया गया ऋण ऋणी को खाता खोल कर दिया जाता है, जिन्हें व्युत्पन्न जमाएं कहा जाता है। ये जमाएं साख जमा कहलाती है, यानी बैंक जैसे मान लो 100 रुपये जमा कराए किसी ने, तो बैंक उसमें से एक निश्चित अनुपात अपन आगे उदाहरण के रूप में देखेंगे अभी, कि जैसे 10 रुपये रखे, 90 रुपये वापस उधार दे दिए, तो अब वो 90 रुपये एक तरीके से जो वापस दूसरे खाते को जमा किए वो भी बैंक की एक तरीके से जमाएं है, यानी वो प्राथमिक जमाओं के कारण दूसरी जमाएं उत्पन्न हुई, इसलिए उसको कहते हैं व्युत्पन्न जमाएं। रिजर्व अनुपात, जो बैंक का जो अपन बात करें, जैसे अपन यहाँ पर कि एक निश्चित प्रतिशत नगद कोष के रूप में रख लिए जाते हैं, ये LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, CRR और SLR। अभी आगे देखेंगे, CRR का मतलब होता है कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब स्टेशनरी लीगल रेशियो, जिसका मतलब है कि बैंक है एक CRR यानी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास एक निश्चित अनुपात में रुपए रखने होते हैं, उनको कहते हैं CRR, और बैंकों को जो जमाएं होती हैं कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास रखना पड़ता है, उसको कहते हैं SLR। इन दोनों को अगर एक ही शब्द में कहेंगे तो उसको अपन LRR कहेंगे, यानी बैंकों को इतने रुपए है ना हर समय रखना बहुत ही जरूरी होता है, कानूनी रूप से एक तरीके से कह सकते हैं कि बैंकों के ये जमाएं होनी जरूरी है। अब इन जमाओं को छोड़ के जो रुपए बचता है उसको बैंक है वो उधार दे सकता है, और बैंक अधिकारी को अनुभव के आधार पर ज्ञात होता है कि सभी जमाकर्ता बैंक से एक साथ पैसा नहीं निकालते, इसलिए बैंक को सारा डिपॉजिट नहीं रखना पड़ता, बल्कि बैंक एक न्यूनतम हिस्सा, जैसे अपन बात करें अपन कैश रिजर्व के रूप में रखते हैं, उसे ही LRR कहते हैं, क्योंकि बैंक को पता है कि सभी व्यक्ति हैं वो एक साथ रुपए निकालने नहीं आएंगे। जैसे अपन बात करें CRR का मतलब हर बैंक को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम प्रतिशत हिस्सा RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR है हर बैंक को अपनी कुल जमाओं का न्यूनतम हिस्सा अपने पास रखना पड़ता है। ये जो न्यूनतम सीमाएं हैं वो केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, और अपनी मौद्रिक नीति में ये बताता है कि CRR कितना रखना है और SLR कितना रखना है। अब जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं, मान लो प्रारंभिक जमा इनिशियल जमा है वो 100 रुपये, तो ये 100 रुपये जो जमा है वो व्यापारी बैंकों की मांग जमा होगी। अब बैंक को पता है मान लो ये LRR है वो 10% है, 10% मतलब 100 में से 10 रुपये रखना, 90 रुपये बैंक उधार दे सकती है। माना कि बैंक सारे के सारा जो उसके जो LRR के अलावा जो रुपए वो सारा उधार दे देती है, तो जैसे 90 रुपये उधार दे देती है, तो 90 रुपये ये जो प्राथमिक जमाओं के आधार पर जो गौण जमाएं निर्माण का हुआ है, इसको भी उत्पन्न जमाएं जैसे अपन बात की, तो वो 90 रुपये बैंक में दूसरे के खाते में खोल के जमा कर देगी। अब 90 रुपये बैंक में और जमा हो गए तो इसका भी बैंक क्या करेगी, LRR 9% काटेगी, और बाकी जो बचा 81 रुपये वो उधार दे देगी। अब 81 रुपये जो बचा ये बैंक की और दूसरी व्युत्पन्न जमाएं हो गई,
क्योंकि दूसरे अब 81 रुपये जिसको दिए हैं खाता खोल के उसके, वो बैंक की दूसरी व्युत्पन्न जमा हो गई, तो उस 81 रुपये का 10% बैंक LRR काटेगा, यानी 8.1%, और जो बचा हुआ है 72.9 रुपये है वो बैंक उधार दे देगी। तो इस प्रकार बैंक ने रुपए उधार देती जाएगी, और अंत में क्या होगा कि जो ये 100 रुपये प्रारंभिक जमा हुई थी, और अगर LRR 10% है तो बैंक की कुल जो जमाएं हैं वो मांग जमाएं अपन बात करें वो 1,000 हो जाएगी। LLR है जो 10% हर ऐसे कार्ड दे जाएंगे तो 100 हो जाएगा, और बैंक जो कुल लोन दे देगा वो 900 दे देगा। अर्थात अपन बात करें कि प्रारंभिक जमाएं 100 थी और बैंक ने 900 रुपये का लोन दे दिया, तो 900 और 100 कुल जमाएं कितनी हो गई, 1,000। 1,000 तो ये जो ये है डिपॉजिट क्रिएशन प्रक्रिया या साख सर्जन प्रक्रिया, और ये जो इस प्रकार है वो तब तक चलती जाएगी जब तक LRR है जो प्रारंभिक जमा के बराबर नहीं हो जाता। प्रारंभिक जमा कितनी थी, 100, और जो LLR अपन इस तरीके से चलाएंगे तो अपने अंत में आ जाएगी 100 के बराबर। तो बैंक द्वारा कुल मुद्रा सर्जन या डिपॉजिट क्रिएशन 1,000 रुपये होगा, यानी कुल मांग जमाएं बैंक द्वारा जो जमाई हुई है जो प्रारंभिक जमा का वो 1,000 रुपये होगी, और 1,000 रुपये जबकि प्रारंभिक जमाएं कितनी थी, 100 रुपये। तो इसका मतलब है कि बैंक ने कुल कितनी भी उत्पन्न जमाओं का या गौण जमाओं का निर्माण किया है वो 900, यानी 1,000 में से पहले वाला माइनस 100 कर देंगे तो बचेगा 900, यानी बैंक ने साख सर्जन कितना किया है, 900 रुपये। और कुल मनी क्रिएशन कितना हुआ है, कुल को अगर अपने को निकालना है तो प्रारंभिक जमा इंटू 1/LRR, यानी प्रारंभिक 100 है इंटू करेंगे अपन 1/10%। 10% का मतलब हो गया 10, 1/LLR का मतलब 1/10 हो जाएगा, परसेंट परसेंटेज का मतलब है कि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी जो अपने प्रारंभिक जमा है उसको अपन 10 से गुणा करेंगे तो अपना कितने मिल जाएगा, 1,000। यानी जो टोटल डिपॉजिट इनिशियल 100 था उसका 10 गुणा, यानी बैंक ने जो साक्ष निर्माण किया वो 1,000 रुपये, यानी 10 गुणा किया। ये 10 गुणा है वो गुणक जमा के या जमा गुणक कहा जाता है इसी को ही। तो साख गुणक अपन पढ़ते हैं, तो साख गुणक है उसमें LLR और साख गुणक के मध्य विपरीत संबंध होता है, यानी जितना LLR ज्यादा होगा साख गुणक उतना ही कम होगा, और LLR जितना कम होगा साख गुणक उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अपन बात करें यहाँ पे अपन 10% लिया तो साख गुणक 10 मिला, अगर मान लो LLR 5% ही होता तो साख गुणक 1/5% हो जाता, तो वो हो जाता 20 हो जाता, और अगर मान लो 20 हो जाता तो साख गुणक है वो 5 हो जाता। अर्थात इसका मतलब ये है जब LLR का मूल्य बढ़ता है तो साख गुणक का मूल्य घटता है, जब LLR का मूल्य घटता है तब साख गुणक का मूल्य बढ़ता है। यानी साख सर्जन क्षमता बहुत कुछ बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व अनुपात यानी LRR पर निर्भर करती है, यानी ये जितने ज्यादा होगा तो कम होगा साख सर्जन, और ये अगर LLR कम होगा तो साख सर्जन ज्यादा होगा। क्रेडिट क्रिएशन ये व्युत्पन्न जमाओं के बराबर है, यानी साख सर्जन कितना हुआ वो गौण जमाओं के बराबर होता है। अपन ये पढ़ाया था कि बैंक, अभी अपन देखा कि बैंक किस प्रकार साख का निर्माण या सर्जन करती है, यानी प्रारंभिक जमाओं के आधार पर बहुत सारी गौण जमाओं का निर्माण कर लेती है, इसे कोई साख सर्जन कहा जाता है, इसको अपन उदाहरण के रूप में समझा था। अब अपन देखते हैं कि इस साख सर्जन की कुछ सीमाएं हैं, जैसे अपन यहाँ पे मान लिया था कि इस तरीके होता है बैंक में जमा होते रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है, इसके कारण वास्तविक रूप में साख सर्जन इतना आसान और इतने तरीकों, क्योंकि ये एक बहुत प्रक्रिया जटिल रूप में। अब इसमें क्या सीमाएं, एक ये कि जनता तरलता पसंदगी या नगद राशि रखने की प्रवृत्ति से साख सर्जन कम हो पाता है, यानी लोग अगर अपने पास नगद ज्यादा रखना चाहते हैं, या तरल मतलब का मतलब है कि लोग अपने पास नकदी के रूप में रखना चाहते हैं, बैंकों में कम रुपए जाए करना चाहते हैं। जैसे किसी को लोन दिया और बैंक ने जैसे मान लो 100 रुपये में स्टार्टिंग 90 रुपये दिए थे, अगर वो 90 रुपये पूरे निकाले तो बैंक नहीं में मांग जमाओं का निर्माण व्युत्पन्न जमाएं हो नहीं पाएगी, तो बैंक और आगे निर्माण रुपए उधार नहीं दे पाएगा, तो साख सर्जन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि जनता कितनी तरलता पसंद की या नगद राशि रखना चाहती है, यानी तरलता पसंद की ज्यादा है तो साख निर्माण कम होगा, अगर तरलता पसंद की कम है तो साख निर्माण ज्यादा होगा।
दूसरी अपन बात करेंगे निवेश का वातावरण। निवेश का वातावरण अगर अनुकूल है तो लोग ज्यादा उधार लेंगे, है ना। जब देश में ऐसा माहौल हो कि लोग निवेश करने से लाभ होता है या जो व्यापारिक गतिविधियों से लाभ होता है तो लोग ज्यादा निवेश करते हैं, और उस समय ज्यादा लोग उधार लेंगे तो साख सर्जन भी ज्यादा होगा। जबकि निवेश की प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जैसे माहौल गड़बड़ एक अर्थव्यवस्था डाउन की स्थिति में, तो उस समय लोग उधार लेना कम चाहेंगे, तो उधार कम लेंगे तो साख सर्जन भी कम होगा। तीसरी बात करेंगे जनता, बैंकों को नगद राशि कम मिलने पर साख सर्जन कम होगा, यानी जनता अगर बैंकों में रुपए नगद कम जमा करेंगे तो बैंक कम साख सर्जन, क्योंकि उनकी क्षमता कम हो जाएगी। अगर लोग ज्यादा रुपए बैंकों में जमा करेंगे तो बैंक ज्यादा साख का निर्माण कर पाएंगे। तीसरी बात करें ऋण लेने वालों के पास जमानत की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो बैंक आसानी से ऋण दे पाएंगे, तो साख सर्जन भी ज्यादा होगा, अगर कम होगी तो कम हो पाएगा। पांचों अपन बात करते हैं बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व अनुपात, यानी जो रिजर्व अनुपात है LRR की अपन बात की थी, अगर वो अनुपात ज्यादा है तो बैंकों का साख सर्जन कम होगा। अभी अपन देखा था अगर LRR कम है तो बैंकों का साख सर्जन है वो ज्यादा होगा। छठा, इस बात पे भी निर्भर करता है कि केंद्रीय बैंक की नीति, यानी केंद्रीय बैंक क्या चाहता है, देश में मौद्रिक विस्तार चाहता है या मौद्रिक संकुचन चाहता है। अगर मौद्रिक विस्तार चाहता है तो वो बैंक दर LRR ये कम रखेगा तो ज्यादा साख सर्जन होगा, और अगर बैंक जो बैंक केंद्रीय बैंक की नीति उसी के अनुरूप व्यापारी बैंकों की नीतियां होती है, और अगर केंद्रीय बैंक मौद्रिक संकुचन चाहता है, देश में मुद्रा की पूर्ति संकुचन चाहता है, तो उस स्थिति में साख का निर्माण कम होगा। और सातों अपन देख देश में वैधानिक मुद्रा की मात्रा कितनी है, फिर आठों अपन देखें बैंकिंग सुविधा में विकास, यानी बैंकिंग सुविधा और विकास जितना ज्यादा अच्छा होगा, यानी बैंकिंग सुविधा, क्योंकि लोग बैंकिंग सुविधा अच्छी होगी तो लोग बैंकों में रुपए भी ज्यादा रखेंगे। विकास की स्थिति जैसे विकसित देशों में साख सर्जन अधिक होता है बजाय विकासशील देशों के। और नौवा है राजनीतिक दशाएं, यानी राजनीतिक दशाएं अच्छी है, एक देश में शांत वातावरण तो साख निर्माण ज्यादा होने की संभावना है, और राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी होने नहीं होने पर साख सर्जन कम होने की संभावना रहती है। दसवां है सरकारी नीति, यानी सरकार क्या चाहती है कि लोग रिजर्व बैंकों में ज्यादा रुपए रखें या अपने पास, उसका भी साख सर्जन पर प्रभाव पड़ता है। तो अपन देखते हैं कि साख सर्जन की कई सीमाएं हैं, लेकिन यदि जनता के पास करेंसी नहीं रहे अर्थात सारी करेंसी बैंकों में रहे, बैंक अपने पास अतिरिक्त रिजर्व नहीं रखे और शीघ्र ही उधार देते जाए तो साख सर्जन सबसे ज्यादा मात्रा में होगा। यानी सबसे ज्यादा सार्वजनिक कब हो सकता है, जब जनता के पास, जनता अपने पास करेंसी में रखे नहीं, सिर्फ डिजिटल ट्रांजेक्शन करें वो सारे के सारे, और बैंकों को उस समय कैश रखने की जरूरत होती नहीं, अतिरिक्त रखने की जरूरत नहीं होगी, जो LLR है वही रखेगी, उसके अलावा नहीं रखेगी, तो लोगों को ज्यादा उधार दे पाएगी, तो उससे साग निर्माण भी ज्यादा होने सबसे ज्यादा उस समय ही होगा। ओके थैंक यू, मैं समझता हूँ कि आपको साग सर्जन वाला टॉपिक समझ में आया होगा।